एमएलसी चुनाव को लेकर वीआईपी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पूर्व विधायक सहराजत के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह के पक्ष में शुक्रवार को प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में डॉक्टर तरुण विजय द्वारा वार्ड सदस्यों, मुखिया, पंचायत समिति सदस्यों से संपर्क करते हुए उनको वोट देने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके हर सुख दुख में शामिल रहे, साथ ही उनके मुद्दों को विधान परिषद में उठाते हुए हक हकूक की लड़ाई लड़े। इस दौरान पूर्व जीप सदस्य आशुतोष कुमार पांडे, पप्पू पांडे, सुशील दुबे के साथ साथ प्रखंड क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मोतिहारी संग्रामपुर से। एमएलसी चुनाव को लेकर के बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति रहेगी इस बार एमएलसी? अभी तक स्थिति है जो कोई लड़ाई में है ही नहीं है। माननीय नेता हमारे श्री महेश्वर सिंह के पीछे कोई नहीं है। बहुत अधिक वोट से हमारे माननीय एमएलसी चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जिला के तमाम पार्टी अपने दल के दलदल से ऊपर उठकर और सब लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। सभी माननीयों का भरपूर समर्थन है और यह बहुत अधिक वोट से जीतने जा रहे हैं और जिला के एक अच्छे एमएलसी इस बार मिलने जा रहे हैं। एमएलसी का चुनाव है, इसको लेकर के क्या तैयारियां की जा रही है? आपके पापा जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक वार्ड मेंबर से मिले, जान पहचान बढ़ाएं, अपनी बातों को रखें, हम क्या करेंगे उनके लिए आने वाले समय में, पहले क्या क्या नहीं हुआ है, यही सब है। मतलब हम लोग डोर टू डोर जाके मिलने की कोशिश कर रहे हैं वार्ड लोगों से, मुखिया जी लोगों से, पंचायत समिति से, जिला परिषद है, सबका सहयोग चाह रहे हैं हम लोग इसमें। क्या स्थिति रहेगी, क्या स्थिति है अब ये तो आप लोग बताइएगा क्या स्थिति है। जो मेंबर है इसमें, देखिए ये आम पब्लिक का चुनाव नहीं है, ये जो अपने वार्ड मेंबर हैं, पंचायत समिति है, मुखिया, जिला परिषद हैं, इनको अपना एक गार्जियन चुनना है जो इनके पीछे खड़ा रहे, इनके कामों को देखे। मतलब ये 21 साल हो गया, 21 साल या 18, तीन टर्म हो गया है, चौथा टर्म का है, जमीन पर तो एक ईंट भी नहीं दिखाई देता है। मतलब कुछ काम तो दिखना चाहिए ना, जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, एक भी वीडियो या ऑडियो नहीं है जो इन्होंने विधान परिषद में किसी भी मेंबर के लिए हक में आवाज़ उठाया हो, ना ही कहीं किसी ब्लॉक में एक ईंट रखवाया हो, तो इसका हिसाब तो देना चाहिए। कभी किसी से मिले नहीं 6 साल में, सोचते हैं कि वोटिंग हो गया, बात ख़त्म, अभी तो अगली बार लोग ये लोग रहेगा नहीं, नया मेंबर इलेक्ट होके आ जाएगा, तो ये सब अब चलने नहीं जा रहा है। सबको इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, मतलब हमारे हिसाब से देना भी चाहिए। सब लोग कम या ज़्यादा वोट से चुनाव लड़के ही जीत के आए हैं, सब लोग जनप्रतिनिधि है, सबको मान सम्मान चाहिए, तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा, सबका मान प्रतिष्ठा आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा हो, वार्ड मेंबर हो या एमएलए हो, एमपी हो, सबका जवाबदेही है, क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो उनका हेल्प, मतलब विधायक जी का कहना है कि उनका हेल्प हम करेंगे, उनके पीठ पीछे कभी खड़े रहेंगे किसी भी काम में। मान लीजिए कुछ प्रशासनिक केस मुकदमा हो जाता है, कुछ भी विकास संबंधी कार्य फंसता है, चाहे उनके हिस्से का काम पंचायत में नहीं आ पा रहा है, तो वो सब दिलाएंगे। हर ब्लॉक में एक जनप्रतिनिधियों के लिए एक मतलब हॉल टाइप का बनाएंगे, जहां मीटिंग करने का, सुस्ताने का, मान लीजिए आप दूर से जा रहे हैं ब्लॉक में, बैठने का जगह नहीं है, तो उनके लिए वो बनवाएंगे। और भी जो चीज़ें हैं हम लोग घूम घूम के समझा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए हमने एक हेल्थ कार्ड जारी किया है, सबको हम समझा रहे हैं क्या डिटेल्स हैं इसके, ये सब है। R9 भारत, संतोष पांडे की रिपोर्ट।